हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षय। मैं इस चैनल में स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, बुक्स, ट्रेडिंग, इन सब के रिलेटेड डिस्कस करता रहूँगा, समरीज देता रहूँगा। इस वीडियो मेकिंग कॉन्सेप्ट में थोड़ा न्यू हूँ, तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना। बट अदर देन दैट, आई हैव बीन डूइंग ऑल दिस बुक रीडिंग, स्टॉक मार्केट थिंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स नाउ। मेरे पास 8 वेबसाइट्स है जो कि अलग अलग सेक्शंस को कवर करते हैं। जो सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे कोई भी टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो पहले जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में से आपको कुछ वीडियो पसंद आए तो ऑफकोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सप्लेनर वीडियो इस चैनल पे। तो मैंने सोचा कि मेरे फेवरेट पर्सनल फाइनेंस रूल से स्टार्ट करूँ। देर आर 11 फाइनेंस रूल्स दैट आई ट्राई टू फॉलो एंड इम्प्लीमेंट इन माय डेली लाइफ, एंड दोज आर रूल ऑफ 72, जो आपका मनी डबल कब होगा उसके बारे में बताता है। नहीं बाबू भैया का डबल नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रूल ऑफ 114, देयर इज व्हेन इट विल ट्रिपल। रूल 144 फॉर क्वाड्रुपल। रूल ऑफ 70, दिस इज फॉर इन्फ्लेशन। ये रूल काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है एंड बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता इस बारे में। देन जाते हैं 4% रूल, फिर 100 माइनस योर एज रूल, 10-5-3 रूल, 50-30-20 रूल, 3x एमरजेंसी रूल, 40% EMI रूल एंड लाइफ इंश्योरेंस रूल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ 72 से, जो हमको बताता है नंबर ऑफ इयर्स इट विल टेक टू डबल योर मनी। सो व्हाट्स द नंबर ऑफ इयर्स इट विल टेक टू डबल योर मनी। तो रूल ऑफ 72 सेज, ये सेक्शन सिर्फ आप देख लेना, दिस इज नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड टू डबल योर मनी एट एनी गिवन इंटरेस्ट रेट। मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, 72 को उस इंटरेस्ट रेट से आप डिवाइड करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर होगा नंबर ऑफ इयर्स जिसमें आपका मनी डबल होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है, तो 72 डिवाइड बाई 8% करोगे तो आपको 9 मिलेगा, विच मीन्स इन 9 ईयर्स योर मनी विल डबल। सो आपके पास 10 लैक्स था तो इट विल बिकम 20 लैक्स इन 9 ईयर्स टाइम। एंड इंटरेस्ट रेट अगर 6% है तो इट विल टेक 12 ईयर्स। लोअर द इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम टाइम लगता है। ऑफकोर्स दिस इज द मेन रूल। देन द नेक्स्ट टू रूल्स, विच इज़ रूल 114 और रूल 144, ये बोथ रिलेटेड है। जैसे कि 72 आपको डबल के बारे में बताता है, 114 ट्रिपल होने के बारे में बताता है, 144 जो है क्वाड्रुपल मतलब 4 टाइम्स होने के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम जाते हैं रूल ऑफ 70, दिस इज द इन्फ्लेशन रूल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सी, इफ यू डिवाइड 70, विच इज रूल ऑफ 70, बाय करंट इन्फ्लेशन रेट टू नो हाउ फास्ट योर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी रिड्यूस्ड। मतलब कि अगर आपके पास 1 करोड़ सेव्ड है आपके रिटायरमेंट के लिए और करंट इन्फ्लेशन रेट अगर 7% है, जो कि एक्चुअली में है पोस्ट पैंडमिक, सो इफ यू डिवाइड 70 by 7, यू विल नो दैट इन 10 ईयर्स द वैल्यू ऑफ योर मनी विल बी हाफ। सो दिस इज अ वेरी डेंजर रूल एक्चुअली, बिकॉज दिस इज, इफ आपको लग रहा है कि आप 1 करोड़ सेव करोगे आपके लाइफ टाइम में, तो उसका वैल्यू इन 10 ईयर्स टाइम एनीवे हाफ होने वाला है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना होता है। तो ये बहुत सारे लोग कंसिडर नहीं करते, बट आप समझ जाओगे तो आपके लिए यूजफुल होगा। देन नेक्स्ट है 4% रूल फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। ये क्या बोलता है कि आपको कॉर्पस जो रिक्वायर्ड, आपका टोटल अमाउंट जो रिक्वायर्ड है, वो 25 इंटू योर एनुअल एक्सपेंसेस, आप साल भर में जो भी खर्चे कर रहे हो, इंटू 25 इज द कॉर्पस रिक्वायर्ड। सो पुट 50% ऑफ दैट इन फिक्स्ड इनकम एंड 50% इन इक्विटी। ये आप 50-50 डिवाइड करोगे, फिर 4% एवरी ईयर, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 5 लाख इंटू 25 करोगे तो 1.24 है उसका, 4% आप विड्रॉ करोगे तो आपको 5 लाख मिलेगा। दिस 5 लाख इज ईयरली विड्रॉल विच यू कैन यूज फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड आप जैसे जैसे आपका कॉर्पस बढ़ाओगे, आपका विड्रॉल भी उतने से ही बढ़ जाएगा। ये रूल 96% ऑफ द टाइम काम करता है इन 30 ईयर पीरियड, तो दिस इज अ वेरी यूजफुल रूल। नेक्स्ट है 100 माइनस योर एज रूल। वो क्या बोलता है, आपका एज
100 से आपके एज को आप माइनस कर दो, उतना आपका अलोकेशन इक्विटी और पोर्टफोलियो, इक्विटी और डेट में डिवाइड होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल अगर आप 30 के हो तो इक्विटी शुड बी 70, विच इज 100 माइनस 30, तो इक्विटी में 70, यानी आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो बिकॉज आपका एज कम है, एंड डेट में 30. अगर आपका एज 60 है सो आप रिस्क कम लोगे, तो 100 माइनस 60 इज 40, इक्विटी में आप सिर्फ 40 डालोगे लेकिन डेट में आप 60 डालोगे बिकॉज इट्स अ सेफर साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज अ गुड रूल. नेक्स्ट है 10-5-3 रूल, जो आपको बोलता है वन शुड हैव रीजनेबल रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन. आप एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलेगा, बिटकॉइन जैसा अगर आप सोचते बैठोगे तो वो होने से रहा, और होगा तो भी वो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट है. तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, इट शुड बी 10% फॉर इक्विटी, 5% फॉर डेट्स एंड 3% फॉर सेविंग, विच इज एक्चुअल द केस इन दिस टाइम. आपको सेविंग अकाउंट में 3-4% के ऊपर वैसे भी नहीं मिल रहा. नेक्स्ट है 50-30-20 रूल, जो आपके अलोकेशन के बारे में बताता है. तो ये क्या बोलता है कि आपका इनकम जो है आपको 50-30-20% में डिवाइड करना चाहिए. 50% शुड बी योर नीड्स, दिस शुड कवर योर ग्रॉसरीज, आपका ईएमआई, होम लोन, जो भी लोन, रेंट जो भी होगा सब कवर होना चाहिए. वो 50% चला गया, बाकी 30% जो है आपके वॉन्ट्स में आप यूज कर सकते हो. दिस इंक्लूड्स एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, वेकेशन लेना, जो भी करो 30%, 20% एटलीस्ट आपको सेव करना चाहिए. दिस सेविंग शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑफ कोर्स बिटवीन इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, डेट, एफडी, आपको जो भी लगता है उस बेसिस पे एटलीस्ट 20% सेव करने की कोशिश करो. 20 के ऊपर होगा तो भी बेस्ट होगा, एंड एक्चुअल में आप कर सकते हो 20 के ऊपर, बट स्टार्ट विथ 20 एटलीस्ट. नेक्स्ट है 3 times इमरजेंसी रूल. ये क्या बोलता है कि आपको आपका जो भी इनकम है उसका 3 times इमरजेंसी फंड में रखना ही चाहिए. एटलीस्ट 3 times रखना चाहिए. सेफर साइड आपको अगर रखना है तो 6 months रखोगे तो एकदम बेस्ट होगा. तो आपका कोई भी एम्प्लॉयमेंट इशू, कोई भी इमरजेंसी इशू आता है तो आप उसको कोप अप कर पाओगे, और ये कभी भी आ सकता है, किसी को भी पता नहीं होता. सो इट्स बेस्ट टू कीप 3 months, इफ़ यू कैन एटलीस्ट कीप 6 months, मोर इवन बेटर. नेक्स्ट है 40% EMI रूल, जो क्या बोलता है कि आपका EMI जो है वो 40% ऑफ योर टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ये सेम रूल एक्चुअली बैंक्स भी यूज़ करते हैं कि आपका इनकम का 40% आपको लोन प्रोवाइड करते हैं. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अगर जाते हैं तो वो रिस्की हो जाता है. सो सेम रूल आपके पर्सनल फाइनेंस में भी अप्लाई कर सकते हो एंड प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस रूल. ये क्या बोलता है आपको, आपका सम अश्योर्ड कितना होना चाहिए. आपका सम अश्योर्ड कितना होना चाहिए, इट शुड बी 20 times योर एनुअल इनकम. आपका जो भी करंट एनुअल इनकम होगा उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर लो, एंड फॉर एग्जांपल आप 5 lakhs अर्न कर रहे हो तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, योर सम इंश्योर शुड बी एटलीस्ट 1 crore. उससे ज़्यादा है बेटर है, बट लाइफ इंश्योरेंस शुड बी दैट मच. दिस वुड कवर योर फैमिलीज एक्सपेंसिस, नीड्स एंड एवरीथिंग, एंड दिस इज अ सेफर बेट. आपको ज़्यादा रखना है, आप ऑफकोर्स ज़्यादा रख सकते हो, बट 20 times इज अ मस्ट. सो प्लान अकॉर्डिंगली, एंड या सो दैट्स इट. दीज आर द 11 rules. आई हैव शेयर्ड इट इन स्क्रीन ताकि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से स्लो मोशन में अगर आपको समझना है तो आप स्क्रीन देख के समझ लेना. बट द मेन थिंग इज आप ये रूल समझ लो, ये रूल अप्लाई करो, एंड आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कर देना. एंड आई एम सॉरी, ये मेरा वीडियो मेकिंग में न्यू है थोड़ा टाइमिंग, सो आई एम नॉट गुड विद दिस वीडियो मेकिंग, बट होपफुली आपको कुछ वैल्यू मिला रहे, और अगर वैल्यू मिला रहे तो लाइक कर देना. मैं एक स्टॉक मार्केट सीरीज में वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द ही, जो कि 2-3 minutes में आपको एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा. इस कॉन्सेप्ट के बेसिस में आप जल्दी सीख सकते हो आपका स्टॉक मार्केट लर्निंग्स, एंड ऑफकोर्स इट्स फ्री. So stay tuned. I'll see you in the next video.